इज़ मी मोहम्मद मनीर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक और जबरदस्त दिन और एक और ज़बरदस्ती न्यू वीडियो के साथ आज की जो मेरी वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ जी के डिफाइन द डेटा बेस सिस्टम के पहले तो हम जो है डेटा बेस सिस्टम का जो है एक शॉर्टकट सा ओवरव्यू करेंगे एंड देन उसके बाद जी हम करेंगे कि वट आर फोर मेजर जो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम के वो कौन कौन से हैं ठीक है इनको डेटा बेस के जो है कंपोनेंट्स भी बोला जाता है एंड इसको जो है डेटा बेस के जो होते हैं फंक्शंस ये भी बोला जा सकता है और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जी ये कैसे जो है है, ये जो वर्क जो है प्रॉपरली जो है सर अंजाम देते हैं अपना डेटाबेस में तो अगर आप मेरी आज की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो फिर आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को बस मिल्लाम डेटा बेस सिस्टम आर डेटा बेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर टू मैनेज दैट डेटा डेटा बेस सिस्टम क्या है जी डेटा बेस सिस्टम जो है ये एक कलेक्शन है ये मजमुआ है डेटा का और फैक्ट्स का जो के एक प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड कर किए जाते हैं मैनेज करने के लिए डेटा को आर डेटा बेस सिस्टम इज़ आ कम्प्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम डेटा बेस सिस्टम क्या है ये जी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम भी इसको बोला जा सकता है ठीक है जिसमें हम अपना आल रिकॉर्ड है इसको क्या कर सकते हैं कंप्यूटराइज कर सकते हैं द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डेटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूजर्स वैन इट इज़ रिक्वायर्ड इसका जो मेन पर्पज़ है डेटाबेस सिस्टम का जी वो क्या है वो है जी मेंटेन रखना डेटा को और फिर प्रोवाइड करना यूज़र तक वो तमाम रिकार्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि वो डिज़ायर करता है तो ये था जी डेटाबेस सिस्टम इसका हमने एक जो शॉर्ट सा ओवरव्यू था मैंने आप लोगों को वो दे दिया है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम या फिर फंक्शन ऑफ डेटा बेस सिस्टम कम्पोनेंट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम द फोर मेजर कम्पोनेट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम आर आर एस फॉलोर्स डेटा बेस सिस्टम के जो है मेजर फोर कम्पोनेंट्स हैं जो कि दर्जाइन है सबसे फर्स्ट पर आता है जी डेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डाटा को डेटा एक्चुअल में है क्या चीज डेटा डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम डाटा क्या है जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्पोनेट्स ऑफ डेटा बेस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है ठीक है डेटा इज कलेक्टेड ऑफ फैक्ट्स स्टोर इज इन द डेटा बेस डेटा क्या है जी डे डेटा है एक कलेक्शन है मजमुआ है उन तमाम फैक्ट्स का जो स्टोर किए जाते हैं डेटा के अंदर द बेसिक परपज ऑफ डेटा बेस सिस्टम इज़ टू स्टोर मेनटेन एंड प्रोसेस डेटा फॉर द यूजर्स डेटा बेस का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है वो है जी के डेटा बेस सिस्टम के अंदर उस तमाम डेटा को क्या करना है स्टोर करना है और फिर उसके बाद उसको मैंटेन करना है एंड फिर उसके ऊपर प्रोसेस करना है उस डेटा के ऊपर जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है किसके लिए अपने यूजर्स के लिए जो कि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है तो अब हम इसका जो है सेकंड जो कंपोनेंट्स हैं या फंक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड जो कंपोनेंट्स है वो है जी हार्डवेयर हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कार हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स और जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं यानी कि वो तमाम हिस्से जिनको हम छू सकते हैं उसको फिजिकल पार्ट्स बोला जाता है कंप्यूटर के वो क्या है जी उसको वो oh, हार्डवेयर जो है कॉल्ड किया जाता है द हार्डवेयर इज़ द यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या है जी हार्डवेयर जो है ये इस्तेमाल होते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो टास्क होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर उसके लिए जैसा कि कंप्यूटर्स को कोई भी इनपुट देना हदायत देना या फिर उसे कोई भी आउटपुट गेट करना ठीक हो गया या फिर किसी भी टाइप का स्टोरेज हो मीडिया हो गया ठीक है वो एंड फिर जो भी प्रोसेसिंग उसके ऊपर हो गई ये क्या खिलाते हैं ये सब हार्डवेयर उसके जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स खिलाते हैं एंड सम इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कम्पोनेंट्स सारा स्पोले के कुछ जो सम सम्पोटेंट कंपोनेंट्स हैं वो दर्ज झैल हैं जी सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जी सेकेंडरी स्टोरेज और सेकंड पे आ जाता है आईओ डिवाइसेस यानी कि आगे आ जाता है जी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसको बोला जाता है ठीक है थर्ड पे आ जाता है प्रोसेसर एंड फोर्थ पे आ जाता है मेन मेमोरी ये जितने भी हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ठीक है, है कंप्यूटर्स के भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी आप इसको कह सकते हैं तो अब जो है हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है जी सॉफ्टवेयर 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 इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज बाय कंप्यूटर इटन डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है सॉफ्टवेयर जो है ये है प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर्स के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस सिस्टम्स के थ्रू द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इज़ डी बी एम एस इट सेल्फ जी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर यूजफुल जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है वो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बाई इट सेल्फ खुद है ठीक है ये बहुत ही एफिशेंट सॉफ्टवेयर है इट यूज इट इट यूजिस थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू एनेबल द डेटा बेस सिस्टम वर्क प्रॉपरली इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं थ्री टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है जो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं फिर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करते हैं एनेबल्स करते हैं कि वो जो अपना वर्क है वो क्या कर सके प्रॉपर्ली कर सके दीज़ आर एज़ फॉलोर्स वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो दर्ज झैल हैं फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जी, software, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है ये तमाम टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के उनको क्या करता है उनको मैनेज करता है इट आल्सो एनेबल्स आल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर और ये तो, कंप्यूटर के अंदर जो बाकी के तमाम सॉफ्टवेयर भी होते हैं उसको भी इस एनेबल करता है इस काबिल बनाता है कि वो कंप्यूटर के अंदर जो है बासानी चल सके डी बी एम एस सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इट मैनेज द डेटा बेस इन द डेटा बेस सिस्टम ये क्या करता है जी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डेटा बेस के अंदर का जो सिस्टम होता है ठीक है वो डेटा को रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना प्रोसेस करना उसको क्या करता है ये उसको लुकआफ्टर करता है थर्ड पे आ जाता जी एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटीज जो प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर अब हम बात करेंगे दीज आर यूज टू असेस एंड प्रोसेस द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा और ये क्या काम सर देते हैं वो तमाम डेटा जो कि डेटा के अंदर मौजूद होता है उसको क्या करते है? को असेस करते हैं एंड फिर क्या करते हैं और उसको उसका जो स्टोर जिधर वो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर उसको आ, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और हमें जो है अब हमारा जो डिज़ायर एबल जो भी यानी कि हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हमें मुहैया करते हैं एंड फोर्थ पे आ जाता है जी फोर्थ एंड लास्ट इसका जो कंपोनेंट्स है वो है जी पर्सनल द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम्स आर कार्ड पर्सनल डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी उसके यूजर्स होते हैं उनको क्या कार्ड किया जाता है उनको क्या किस नाम से बुलाया जाता है उनको पर्सनल्स के नाम से बुलाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पसन्स इन डेटा बेस सिस्टम आर एस फॉलो डिफरेंट टाइप्स के जो पर्सन होते हैं वो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है मौजूद होते हैं या फिर उसको उसके जो यूजर्स होते हैं ठीक है वो हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले आ जाता है दे मैनिज डी बी एम एस यूज एंड इंश्योर देट डेटा बेस इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली जी ये क्या करते हैं ये सबसे पहले जो इसके जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये सबसे पहले तो इस बात की जो है इन, इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो डी बी एम एस है वो प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है और उसके जो फंक्शन है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द होल डेटा बेस सिस्टम ये तमाम डेटा बेस सिस्टम के जो है को देखने के उसको लुक आफ्टर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन्हीं के ऊपर होती है दे अथोराइज असेस टू डेटा बेस एंड मोनीटर टू द यूज़र एंड वर्किंग ऑफ डेटा बेस सिस्टम ये क्या करते हैं ये अथोराइज जो है इनके पास असेस होता है डेटा बेस का और ये क्या करते हैं ये मोनीटर करते हैं यानी कि उसको वॉच करते हैं उसको देखते हैं कि जो उसके उसको जो यूज़ कर रहे हैं जो वर्किंग है डेटा बेस की वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें जैसे कि यूटूब YouTube है या फिर Google है या फिर Facebook है इसको हजारों और बल्कि मिलियन मिलियंस में जो लोग हैं इसको डेली बेस पर यूज कर रहे हैं तो जो इसके ऊपर जो है एक जो डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी यूजर जब हमारे सॉफ्टवेयर पे या प्लेटफॉर्म पे आता है कोई भी चीज़ सर्च करता है तो ये जो हमारा जो सर्च इंजन है ये इनको जो है उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा तो ये छोटी सी एग्ज़ैम्पल है जो मैंने अपनी तरफ से पुट करने की कोशिश की है ताकि तो आपको ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ सके अब हम बढ़ते हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की तरफ़ द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू असेस डेटा फ्राम डेटा बेस ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं ये क्या करते हैं ये सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो बनाते हैं एंड देन उसके बाद जो है इनके पास इस बात की अससीज होती है इनको इस बात की इजाज़त होती है कि ये डेटा बेस के डेटा तक क्या कर सकें रसाई हासिल कर सकें एंड यूज़र्स एंड यूजर्स आर द पीपल हु यूज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन डेटा बेस एंड यूजर्स क्या हैं ये तमाम वो लोग हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यानी कि तैयार करते हैं सर अंजाम देने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो टास्क होते हैं डेटा बेस के अंदर उसको दे इंक्लूड्स क्लर्कस मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एट्सट्रा इसमें जो हैं क्लर्कस भी शामिल हैं मैनेजर्स भी शामिल हैं एंड डायरेक्टर्स वगैरह भी शामिल हैं तो ये था मेरा आज का टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इसे तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज में भी शेयर्स कीजिएगा ताकि जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मुझे दीजिए अभी इजाज़त मिलती हूँ मैं नेक्स्ट फिर किसी न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ किसी न्यू टॉपिक के साथ तब तक अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल अल्लाह ने के बाद